आज यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं इस बर्बर नरसंहार में शहीद हुए प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाता है, जो जड़ों से कट जाता है, वो मिट जाता है। आज मोदी जब अपने इन शहीदों को याद करता है तो कांग्रेस और उसके साथियों को दिक्कत होती है। जब जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम पर दिल्ली में यादे जलियां म्यूजियम बनता है तो इन्हें मोदी आंख में खूंचने अखरता है, अखरता है, दुख होता है। जब दशकों के इंतजार के बाद पूर्व फौजियों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की जाती है तो इन्हें भी मोदी से दिक्कत होती है। भाइयों और बहनों, इनका खुद का बर्ताव ऐसा रहा है जो इनका देश की सेनाओं के प्रति रवैया दिखता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो ये लोग सबूत मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। भाइयों बहनों, आपको इस देश के सपूतों पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे सपूत पराक्रमी है कि नहीं है? हमारे सपूत वीर है कि नहीं है? क्या हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं, गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये करेंगे क्या? शर्म हो तो करे ना। इतना ही नहीं, देश के सेनाध्यक्ष को झूठा है यहां तक बोल देते हैं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उनसे कभी भी हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भारत की परंपराओं मजबूत करने के बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। राजनीति, कोर्ट, चुनाव सब अपनी जगह है, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अपनी आस्था जताना भी अपराध बन गया है, उसे अपराधी करार किया जाता है। मैं कल केरल में था, वहां स्थिति ये बना दी गई है कि सार्वजनिक रूप से, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है,
ये गठबंधन का हिस्सा है, ये महामिलावटी लोग हैं, वहां पर स्थिति ऐसी पैदा की गई है कि सार्वजनिक तौर पर से कोई भी नागरिक भगवान अयप्पा का नाम तक नहीं ले सकता। सबरीमाला बोलने पर आप पर मुकदमा चलता है, जेल में ठूस दिया जाता है।